बात बड़ी खबर के साथ कर रही है। कांग्रेस के रिव्यू मीटिंग में पहुंचे धर्म सिंह छोकर, टिकट पर चर्चा के लिए धर्म सिंह छोकर को बुलाया गया है। समालखा से कांग्रेस विधायक हैं धर्म सिंह छोकर, ये बड़ी जानकारी आपको दे दे। ईडी केस के चलते धर्म सिंह की टिकट पर संशय बना हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग लगातार जारी है। मीटिंग में हुड्डा, उदयभान और बाबरिया मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी शामिल हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य भी मीटिंग में मौजूद हैं। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग जो है जारी है। आपको बता दें कि इस मीटिंग में धर्म सिंह छोकर को बुलाया गया है। समालखा से कांग्रेस विधायक है धर्म सिंह छोकर। आपको बता दें कि ईडी केस के चलते धर्म सिंह की टिकट पर संशय बना हुआ है। तो दिल्ली में कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग जारी है। मीटिंग में हुड्डा, उदयभान और बाबरिया भी मौजूद है। आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी इस बैठक में शामिल है। तो रिव्यू मीटिंग जो है कांग्रेस की जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य भी मीटिंग में मौजूद है। देखिए, लगातार आज दूसरे दिन भी कांग्रेस की सीईसी की बैठक होगी। इससे पहले एक रिव्यू मीटिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं फिर से एक बार जो प्रत्याशियों का पैनल कांग्रेस की तरफ से तैयार किया गया है उस पर एक बार फिर से रिव्यू किया जा रहा है। एक बार फिर से मंथन लगातार किया जा रहा है। साथ ही आपको अपडेट दे दें कि टिकट पर चर्चा के लिए धर्म सिंह छोकर को बुलाया गया है। समालखा से कांग्रेस विधायक है धर्म सिंह छोकर। और साथ ही आपको बता दें कि ईडी केस के चलते धर्म सिंह की टिकट पर संशय बना हुआ है। तो दिल्ली में कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग जारी है। मीटिंग में हुड्डा, उदयभान और बाबरिया मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी शामिल हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य भी मीटिंग में मौजूद हैं। और एक बार फिर से सीटों को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। कांग्रेस की रिव्यू जो मीटिंग है वो जारी है। तो टिकट पर चर्चा के लिए धर्म सिंह छोकर को बुलाया गया है। समालखा से कांग्रेस विधायक है धर्म सिंह छोकर, आपको बता दें। और साथ ही ईडी केस के चलते धर्म सिंह की जो टिकट है उस पर संशय बना हुआ है। और इसी को लेकर देखिए, टिकट पर चर्चा करने के लिए धर्म सिंह को जो कांग्रेस की रिव्यू मीटिंग हो रही है उसमें बुलाया गया है। टिकट पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि मीटिंग में हुड्डा भी मौजूद है, उदयभान मौजूद है, बाबरिया भी मौजूद है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य इस मीटिंग में मौजूद हैं। आप अपराजिता श्री दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। आप अपराजिता, सबसे पहले जो रिव्यू मीटिंग चल रही है कांग्रेस की उसकी अपडेट लेना चाहूंगी, क्या कुछ ताजा जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की रिव्यू मीटिंग भी जारी है। जिस तरीके से कल देखिए हमने सीईसी की बैठक हुई थी, उसमें से 49 सीटों को लेकर के डिस्कशंस कल किए गए थे। हालांकि देखिए उसमें से कुछ सीटें हैं जिसमें से बात नहीं बन पाई थी, कुछ बात रह गई थी। यानी करीब 33 नाम फाइनल हो गए थे, उसमें से 22 सिटिंग विधायक के नाम तय किए गए थे। वहीं 15 से 16 नामों को दोबारा से रिव्यू करने के लिए कहा गया था। तो उन्हीं सब नामों को लेकर के वापस से यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। जिसके अलावा देखिए 41 वो सीटें हैं जिस पर अभी भी डिस्कशंस करने बचे हुए हैं। कल 49 पर डिस्कशंस हुए थे, आज 41 पर डिस्कस करना है। तो उन सीटों को लेकर भी यहाँ पे थोड़ा डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि मूलतः उन सीटों को लेकर के यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जिसके नामों को लेकर के कल सहमति नहीं बन पाई थी। डिस्कस किया गया था, हालांकि सहमति नहीं बन पाई थी, उन सीटों को लेकर के यहाँ पर डिस्कशंस किए जाएंगे। जिसके अलावा देखिए, अगर इस बैठक की मैं बात करती हूँ तो देखिए इस बैठक के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के तमाम सदस्य से पहुंचे हुए हैं। अजय माकन की अध्यक्षता में की जा रही है। इसके अलावा हरियाणा से नेता प्रतिपक्ष भूपेन्द्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं। इसके अलावा प्रभारी दीपक बावरिया, अध्यक्ष उदयभान मौजूद हैं। रिव्यू के लिए धर्म सिंह छोकर को भी यहां पर, जो विधायक हैं मौजूदा समालखा से, उन्हें भी यहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा कुछ और भी विधायकों को रिव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। इसको नाम को लेकर के डिस्कशंस हो रही है, उन्हें भी यहां पर बुलाया जा रहा है, मगर कुछ संशय रह रहा है। उन विधायकों को यहां पर के लिए बुलाया जा रहा है। रिव्यू मीटिंग अभी जारी है जिसके बाद पैनल वापस से रिवीजन किया जा रहा है। जिन नामों को लेकर के सहमति नहीं बन पाए, एक बार सहमति बन जाएगी उसके बाद फिर सीईसी के सामने उन चीजों को रख दिया जाएगा। बिल्कुल, आप राजिता, आपने जिक्र किया धर्म सिंह छोकर का, जिनको बुलाया गया है। समालखा से कांग्रेस के विधायक है, उनको देखिए टिकट पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। और अन्य कौन ऐसे ऐसे विधायक है जिनका नाम सामने आया है जिनको एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए, उनकी टिकट पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया हो? क्योंकि देखिए दीपक बाबरिया ये क्लियर कर चुके हैं कि 22 ऐसे विधायक हैं, सिटिंग विधायक, जिनको टिकट दी जा रही है। हालांकि 5 से 6 ऐसे विधायक हैं अभी भी जिन पर संशय बरकरार है।
अजय बिल्कुल देखिए, हालांकि अभी तो केवल धर्म सिंह पहुंचे हैं, हालांकि अभी भी कहा जा रहा है कि कुछ और विधायक भी यहां पर पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है, रिव्यू लिया जा रहा है, वो विधायक जिनकी टिकट पे कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, सीसी की बैठक में सहमति नहीं बन पाई थी, उनमें से कुछ विधायकों को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। फिलहाल धर्म सिंह पहुंचे हैं, उनके साथ डिस्कशन किए गए, जिसके बाद कहा जा रहा है कि और भी विधायक यहाँ पर पहुंच सकते हैं रिव्यू मीटिंग के लिए। चलिए अपराजिता, बने रही हमारे साथ, और भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रही है कि कांग्रेस की जो रिव्यू मीटिंग है वो अभी भी जारी है, जहां पर धर्म सिंह छोकर जो कि समालखा से कांग्रेस के विधायक है, उन्हें टिकट पर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है।